पंजाब असेंबली स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया रायशुमारी कुछ देर बाद हो रही है। स्पीकर के लिए नू लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए अहमद खान भच्चर उम्मीदवार हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुईन रियाज कुरैशी में मुकाबला होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की हलफबरदारी कल होगी। नू लीग और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास, मुस्लिम लीग काफ इस्तेकाए पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी के अरकान शरीक हुए। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। इजलास की सदारत मरियम नवाज ने की। असेंबली इजलास में 148 सरकार ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 112 और एमकेएम के 36 सरकार ने हल्फ उठाया। टीडीए जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 13 रकीन ऐवान में मौजूद नहीं थे। स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। कल सुबह 11 बजे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध नामजद। अवेज शाह स्पीकर नवीद एंथनी को डेप्यूटी स्पीकर नामजद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए एमकेएम से राबता। एमकेएम से सोफिया शाह ने स्पीकर और राशिद खान ने डेप्यूटी स्पीकर के निकासा जमा करा दिया। मुल्क में 16वीं कौमी असेंबली का पहला इजलास पीर 26 फरवरी को तलब करने की समरी सदर को इरसाल। समरी निगर वजीर आजम ने इरसाल के इजलास के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल। 9 मुंतखब अरकान असेंबली की रजिस्ट्रेशन भी जारी। शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली बिरान शाह रोड पर पुलिस की गाड़ी को हादसा, 2 पुलिस एहलकार जाम बहाक, 2 जख्मी। जख्मी एहलकारों को मीरान शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद और गिलियात में बदतरीन ट्रैफिक जाम, दर्जनों गाड़ियां फंस गई। शदीद सर्द मौसम में खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना, पुलिस मौके से खायफ। अमरीकी फौज का बहरा अहमर में हौसी मिजाइलों को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 7 एंटी शिप क्रूज मिजाइलों को तबाह किया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर की शेरनी सीता और शेर अकबर का नाम बदलने का हुक्म दे दिया। नाम तब्दील करने के लिए हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने दरख्वास्त दायर की थी। सीता और अकबर को एक पिंजरे में रखने पर भी एतराज किया गया था। और अमरीकी निजी कंपनी ने पहली बार चांद पर मिशन उतार कर तारीख रकम कर दी और इस्लामी मून लैंडर को चांद के जनूबी कतब पर उतारा गया। मिशन की जानिब से जमीनी मरकज को सिग्नल्स मौजूद होना शुरू हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।